हेलो बंधुरा, कैसे हो आप लोग? हेलो बंधुरा। हम लोग आज फिर से सुबह सुबह उठ गए हैं। आज है शनिवार, 3 दिसंबर। ये देखो, हम लोगों ने जैकेट वैकेट सब कुछ पहन लिया है। तो आज हम लोग एक नए डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ कहाँ रहे हैं? आज हम जा रहे हैं सिकंदरा बोल के एक जगह। तो ये जगह आगरा के बिल्कुल पास है। तो चलो राइड करते करते इस जगह के बारे में मैं बताऊंगा। अभी हम लोग फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि अभी हो गया है 8:30। मैंने सोचा था 7:30 बजे निकल जाऊंगा। सर्दी के सुबह नींद खुलती नहीं है, क्या करें। तो चलो हम लोग फटाफट अब सीधा रोड पे मिलते हैं। बाय। तो बंधुरा ये देखो, देवांजन लास्ट मिनट पैकिंग करने में बिजी है। और ये देखो हमारा ट्रैक एंड राइड का नया टॉप बॉक्स। ये 52 लीटर का टॉप बॉक्स है और इसमें बैक रेस्ट भी है, तो जो पीलियन है उसके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो यही वो SMK का हेलमेट है जो मैं लास्ट राइड में भी पहन के गया था, जो दीपांजन ने मुझे गिफ्ट किया था इस दीपावली पे। चलो अब हम रोड पे मिलते हैं। बाय। तो हम लोग सुबह सुबह 9 बजे निकल पड़े सिकंदरा के लिए। लेकिन ये सिकंदरा है कहाँ पे? दिल्ली से आगरा जाते वक्त आगरा से 10 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये छोटा सा जगह सिकंदरा। तो सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर और सिकंदर लोधी, इन दोनों के मकबरे हैं। मुगल बादशाह अकबर के साथ साथ उनकी पहली बीवी रुकैया बेगम और उनकी 2 बहनों के भी मकबरे मिलेंगे यहाँ पे। अकबर के मकबरे में पहुँचने से 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको मिलेगा मरियम का मकबरा, जो कि जोधाबाई या तो फिर मरियम उर जमानी का मकबरा है। हम लोगों ने इस रास्ते से बहुत बार ट्रैवल किया है, लेकिन ये जगह हमेशा छूट जाता था। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि आगरा का ताजमहल ना देख के सिकंदरा ही देखा जाए। ये एक वीकेंड ट्रिप है, आप चाहे तो दिल्ली से किसी भी वीकेंड पे बाइक या गाड़ी लेके आराम से यहाँ आ सकते। इंडिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि बाइकर्स को ज्यादातर टोल बूथ में पैसे नहीं लगते। मैंने बहुत रोड ट्रिप्स किया है, गाड़ी में बहुत खर्चा होता है। चारों तरफ टोल देते रहो और पॉकेट ढीला करते रहो। तो सामने बाएं तरफ देखो, आपको दिखेगा भोले शंकर का एक बड़ा सा मूर्ति। तो भोले बाबा का नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग निकल पड़े हैं सिकंदरा की तरफ। सामने देखो एक रेल ब्रिज दिख रहा है। तो दिल्ली से सिकंदरा जाने के लिए कुल मिला के 2 रास्ते हैं। एक है नई नवेली यमुना एक्सप्रेस वे, और नहीं तो आपको पुराना नेशनल हाईवे 19 पकड़ के ही जाना पड़ेगा सिकंदरा की तरफ। तो अगर आप लोग पुरानी नेशनल हाईवे 19 पकड़ के जाते हो तो आपको कोई भी टोल टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ के जाते हैं तो लगेगा आपको लगभग 380 रुपए टोल। आगे एक पेट्रोल पंप देख के हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों को ही जाना है वॉशरूम। सही बात बताऊं तो ये पुराना NH-19 इतना अच्छा हो चुका है, तो आप लोग चाहो तो इस रोड से भी जा सकते हो। हमारे इस रास्ते के बीच में पड़ा फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसीगला, मथुरा और सिकंदरा। पलवल निकलते ही आपको रास्ते में बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, तो ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो बंधुरा, तो लगभग 56 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे हैं ये हमारा पुराना मन्नत फैमिली ढाबा। पता नहीं ये ओरिजिनल मन्नत ढाबा है या कुछ और है। ये मन्नत वो मन्नत नहीं है, ये कुछ और ही मन्नत है। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया है, साथ में हम लोग पूड़ी और मिर्ची का अचार लेके आए हैं। अच्छी जगह है, एकदम धूप साफ है। ये हाईवे थोड़ा सा बिजी है लेकिन अच्छा बना हुआ है। तुम्हें अभी तक ये जर्नी कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो ये देखो हमारा ऑप्टिमस नया टॉप बॉक्स पीछे लगा हुआ है। बाइक एकदम टूरिंग मोड पे लग रहा है, बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक। बहुत ही बड़ा एक टॉप बॉक्स है 52 लीटर का। देवस्मिता ने आज सुबह आप लोगों को इसके बारे में बताया था। तो ये देखिए हमारा चाय आ गया है, साथ में है पूड़ी और मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार, पूड़ी और चाय, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आह क्या बेहतरीन चाय है, गरम गरम कड़क चाय। सर्दियों के सुबह एक गरम कप चाय मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। तो कैसा रहा तुम्हारा ये चाय मिर्ची का अचार? जबरदस्त, मजा आ गया। मिर्ची का अचार लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैंने बनाया है, होना तो पड़ेगा ही। तो चलो बंधुरा, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय भी पी लिया है,
अब हम लोग सीधा सिकंदरा की तरफ निकल लेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं ना रुके। तो चलो हम लोग सीधा बाइक में मिलते हैं, टाटा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके हमें जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसका नाम है दी हैप्पी सोल्स ओरिजिनल्स। उसमें जाओ और चेक करो बहुत सारे फोटोज और शॉर्ट वीडियोस। मोटो व्लॉगिंग में हम लोग नए हैं, तो आप लोगों का कोई अगर सजेशन है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। हमरा दी हैप्पी सोल्स बिलोंग करी कोलकाता थेके, बट एखन एकमात्र दिल्ली बेस्ड बेंगली व्लॉगर्स। আমরা তুলে ধরি আমাদের জীবনের নতুন নতুন মজার মজার অনেক এক্সপিরিয়েন্সেস। तो ये जो पीछे आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, यही है अकबर का मकबरा। देख के तो लग रहा है काफी बड़ा है, काफी कुछ है इस जगह में, लग रहा है काफी टाइम लग जाएगा इस। टाइम लगेगा, तो चलो फटाफट टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं। अकबर का मकबरा मिडिएवल एज का एक अनोखा क्रिएशन है। यह 1605 से लेके 1613 तक बनाया गया था। एंटर करते ही राइट साइड में पड़ेगा जहांगीर का कांच महल। यह एक दो मंजिला इमारत है जिससे बनाने में 14 साल लगे। शुरू हुआ था 1605 और खत्म हुआ 1619। इस बिल्डिंग को जहांगीर का लेडीज रिजॉर्ट या फिर शिकारगर या हंटिंग लॉज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के गाइड्स बोलते हैं कि जब जब जहांगीर यहाँ मदिरा पान करने आते थे, तब तब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या निर्माण का काम होता था। इस बिल्डिंग का नाम कांच महल है, पर यहाँ कोई कांच का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को घिस घिस के कांच की तरह चमकाया गया था, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम कांच महल है। 2 मिनट पैदल चलते ही हमें दिखेगा जहांगीरी गेट। देखने में थोड़ा सा बुलंद दरवाजे की तरह है ये। इसमें है 4 मीनार जिसका एग्जैक्ट रेप्लिका देखने को मिलेगा आपको ताजमहल में। मेन गेट के सामने एक छोटा सा गेट है जिसे बोलते हैं सलामी गेट। यह गेट अकबर के हाइट के हिसाब से बनाया गया था ताकि जो कोई भी बादशाह के मकबरे में आए सिर झुका के आए। लाल सैंडस्टोन से बनाया गया था ये बिल्डिंग। मिलेगा इस्लामिक, हिंदू और क्रिश्चियन डिजाइन। दीन इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक स्वरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला, इसीलिए यहाँ तरह तरह के ज्योमेट्रिक, फ्लोरल और कैलीग्राफिक नक्काशी देखने को मिलेगा। जहांगीरी गेट के नीचे से निकलते ही हमें दिखेगा अकबर का मकबरा या फिर अकबर स्टोन। बिल्डिंग बनाने में लगे थे उस जमाने का 15 लाख रुपए। इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था मुगल सम्राट अकबर के समय में, लेकिन खत्म हुआ है जहांगीर के समय। इस बिल्डिंग में लाल पत्थर का काम करवाया था अकबर ने और मार्बल का काम जहांगीर। इस बिल्डिंग में कुल मिला के 40 कमरे हैं। मुगल सम्राट अकबर चाहते थे कि उनके शाही खानदान के सारे लोगों का मकबरा यही बने, लेकिन वो ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। मेन डोम के अंदर का हिस्सा सोने से बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब के समय भरतपुर के राजा राजा राम जट इनको लूट कर ले गए थे। अकबर का मकबरा बहुत ही साधारण तरीके से बनाया है। जूते उतार कर अंदर जाना पड़ता है। सफेद चूने से पेंट किया है अंदर का दीवार। यहाँ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी मना है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें ये जगह? बहुत अच्छा लगा। ये जगह काफी सुंदर, शांत और फुल ऑफ हिस्ट्री है। बेसिकली हम लोग जो ताजमहल और आगरा फोर्ट जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही शोर शराबा है, लेकिन ये जगह बहुत ही शांत है, एकदम साइलेंट। हम लोग को इस जगह के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें ये जगह बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो हम लोग अब बाकी का जो जगह है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे अभी फिलहाल पता नहीं है। तो चलो लेट्स गो। अकबर
अकबर का मकबरा हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग जा रहे सिकंदर लोधी का टूम देखने, जो कि यहाँ पे सबसे पुराना है और जिसके नाम पे ये सिकंदरा बसा हुआ है। तो चलो वहीं पे चलते हैं और देखते वो जगह है कैसा। सो एज पर हिस्ट्री 1517 में सिकंदर लोदी के गुजरने के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने इस मकबरे को बनाया था और उनको यहां दफन किया था। ये बिल्डिंग पतली ईंटों से और लाल पत्थर से बनाया गया है। ऑक्टागोनल शेप होने की वजह से आपको मिलेंगे यहां पे 8 दरवाजे। हिस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने बाद में उनका ये कब यहाँ से दिल्ली के लोदी गार्डन में शिफ्ट कर दिया था। तो फिलहाल अभी का अपडेट ये है कि हम लोग आगरा में ही रह जाएंगे, दिल्ली वापस नहीं जा रहे, क्योंकि अभी सर्दियों का महीना है और कभी भी अंधेरा हो जाएगा, लोग रात को वापस जाना नहीं चाहते। तो मैंने और देवोस्पिता ने यहीं पे एक बैकपैकर्स हॉस्टल मेक माई ट्रिप से बुक किया है, वहीं पे ठहर जाएंगे। तो आज रात को हम आगरा ठहर के कल सुबह हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो चलो हम लोग हॉस्टल की तरफ जाते हैं। होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा चैनल दी हैप्पी सोल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सिकंदरा का जो नेक्स्ट व्लॉग है वो जल्द ही आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड हर बार की तरह एज यूजुअल वी से बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।